हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने थर्मल लॉस पैरामीटर के बारे में समझा था, जो पीवीसीएस सॉफ्टवेयर में अपने सोलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते समय जब हम सिस्टम डिज़ाइनिंग के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइम ओपन होकर आ जाता है वो है डिटेल्ड लॉसेज। तो डिटेल्ड लॉसेज ओपन करने के बाद जो हमारा फर्स्ट लॉसेज आता है अपने सोलर पावर प्लांट को डिज़ाइन करते समय, उसमें जो थर्मल लॉस है उसकी वैल्यू को कैसे पुटअप किया जाता है और थर्मल लॉस को अपने साइट के अकॉर्डिंग कैसे फिलअप किया जाता है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, एनओसीटी क्या होता है और जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड फैक्टर है उनको कैसे फिलअप किया जाता है, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल लॉसेज टैब में, थर्मल लॉस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ओमिक लॉस। तो ओमिक लॉस हमारे वायर से रिलेटेड लॉस है, मींस जब हम डीसी साइड और एसी साइड में अपने सोलर प्रोजेक्ट में वायर्स की डिजाइनिंग करते हैं, मींस हमें किस साइड कितने एमएम स्क्वायर या किस साइज का वायर और कितनी लेंथ में वायर ले जानी है, जैसे आपको डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इन्वर्टर तक कितनी वायर लेंथ जाएगी, तो वायर में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो लॉसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो पीवीसी सॉफ्टवेयर में ओमिक लॉस है, तो वहां पर आपको वायर रेजिस्टेंस की वैल्यू और जो भी उसमें लॉस फ्रैक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को कैसे पुटअप करना है और डीसी साइड और एसी साइड देन इंजेक्शन पॉइंट, मींस आपको जो कंप्लीट सिस्टम यानी आपके सोलर पावर प्रोजेक्ट में जो ओमिक लॉस की वैल्यू को पीवीसी सॉफ्टवेयर में कैसे डिफाइन जाता है और उसकी वैल्यू को कैसे पुटअप की जाती है, ये हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं थर्मल पैरामीटर वाले टैब को हमने थर्मल लॉसेस कैसे फिलअप करना है पीवीसी सॉफ्टवेयर में उसको क्लियरली समझा चुका हूँ। देन आज का जो टॉपिक है वो है ओमिक लॉसेस का। ओमिक लॉस जो रेजिस्टेंस लॉस होता है और रेजिस्टेंस होता है वायर में, तो यहाँ पर जैसे डीसी सर्किट ओमिक लॉसेस फॉर द एरे ग्लोबल वायरिंग रेजिस्टेंस, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है 56.54 ओम, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू ही रहने देते हैं। अगर हम डिटेल कंजप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर ये शो करेगा कि आपका जो स्ट्रिंग मॉड्यूल कनेक्शन जो ये ब्लू लाइन में शो कर रहा है, तो ये आपकी स्ट्रिंग वायर है और यहाँ पर मेन बॉक्स टू इन्वर्टर, मीन्स जो आपके स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स या डीसीडीबी आप बोलेंगे उनको, तो डीसीडीबी टू इन्वर्टर में जो वायर लेंथ जाएगा जो यहाँ पर ग्रीन वाला शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप वायर की लेंथ लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा मेरा स्ट्रिंग वायर जा रहा है उसको मैं 50 मीटर की लेंथ को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेक्शन और सेक्शन जो एमएम स्क्वायर है मींस जो मेरा वायर साइज होगा वो मेरा 4 स्क्वायर एमएम का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्लोबल वायरिंग रेजिस्टेंस 11.8 मिलियम एंड एमपीपी लॉस फ्रैक्शन एट एसटीसी 0.3%। यहाँ पर जो भी लॉस शो करेगा वो आपके स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग शो करेगा, इसीलिए दिखा रहा है एमपीपी लॉस फ्रैक्शन एट एसटीसी 0.3%। एंड सेकंड, यहाँ पर मेन बॉक्स टू इन्वर्टर वाली वायर मैं यहाँ पर 10 मीटर की लेंथ को अगर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी वायर साइज लेता हूँ 95 स्क्वायर एमएम, तो मेन बॉक्स टू इन्वर्टर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कुछ इस तरह से उसका डेटा शो कर रहा है। देन यहाँ पर जो वायरिंग लेआउट है यहाँ पर पैरेलल लिस्टिंग, तो सेकंड ऑप्शन ग्रुप ऑफ पैरेलल लिस्टिंग, तो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। स्ट्रिंग मॉड्यूल स्ट्रिंग मेरी दो स्ट्रिंग मॉड्यूल कनेक्शन वाली वायर मेरी 50 स्क्वायर 4 स्क्वायर एमएम की है। देन कनेक्शन टू मेन बॉक्स एंड मेन बॉक्स टू इन्वर्टर, मीन्स यहाँ पर एक डीसीडीबी मैंने लगा दिया। देन डीसीडीबी के बाद एक और स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स मैंने लगा दिया और स्ट्रिंग कंबाइनर का बॉक्स के बाद मेरी फाइनली वायर जा रही है इन्वर्टर में। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट ना करके अपने पैरेलल स्ट्रिंग वाले कनेक्शन में ही सेलेक्ट करके रखूंगा। और अगर आप यहाँ पे स्कीमा वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको सिंगल लाइन डायग्राम टाइप शो करेगा कि आपके जो मॉड्यूल की स्ट्रिंग इस तरह से कनेक्शन जा रहे हैं। देन यहाँ पर एक डीसीडीबी लगाए, देन डीसीडीबी के बाद फाइनली आपके पास इन्वर्टर को वायर जा रही है। तो आपने फाइनली इसको ओके कर देना। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्लोबल वायरिंग रेजिस्टेंस है मेरा बहुत कम हो चुका है, वो घट के मेरा 12.74 मिलियम हो गया है। तो डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मेरी पहले वाली वैल्यू थी जो ग्लोबल वायरिंग रेजिस्टेंस था 56.54 मिलियम, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू दोबारा वही आ गई है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या फिर आप अपने वायर साइज वायर लेंथ के अकॉर्डिंग अपना जो ग्लोबल वायरिंग रेजिस्टेंस है और जो उसमें ओमिक लॉस आ रहा है उसको यहाँ पर डिटेल्ड कंप्यूटेशन वाले टैब में जाने के बाद फिलअप कर सकते हैं, या आप सेकंड वाला ऑप्शन जो है लॉस फ्रैक्शन एट एचटीसी उसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्लिक करके 1.5% नॉर्मली लॉस जो होता है ओमिक लॉस उस पर क्लिक करके आगे अपना डिजाइनिंग स्टेप कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस सीरीज डायोड। तो सीरीज डायोड जो मॉड्यूल में हमारे पास डायोड लगे होते हैं जिसको हम सीरीज डायोड या बाईपास डायोड बोलते हैं, जैसे हमारे मॉड्यूल में सारे सेल्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में और हर एक सीरीज में एक एक बाईपास डायोड लगा हुआ होता है, तो हमारे मॉड्यूल में किसी पर्टिकुलर सीरीज में शेडिंग पार्ट पड़ जाता है और वो पर्टिकुलर सेल हमारा शेडिंग इफेक्ट के कारण काम नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर सीरीज में जो और भी सेल है उस शेडेड सेल से करंट एंड वोल्टेज को बाईपास कर देगी, इससे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो वही यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस सीरीज डायोड का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना है, तो उसको भी हम डिफॉल्ट वैल्यू लेके चल देते हैं
तो ये था हमारा डीसी साइड का ओमिक लॉस। देन हमारा आगे आता है एसी लॉसेस आफ्टर द इन्वर्टर, मींस हमारा एसी साइड का जो ओमिक लॉस होगा, मींस हमारा एसी साइड का जो वायर लॉस या ओमिक लॉस होगा, तो यहाँ पर हमें उसको डिफाइन करना है। तो एसी सर्किट इन्वर्टर टू इंजेक्शन पॉइंट, मतलब इन्वर्टर टू आपका जो इंजेक्शन पॉइंट में वायर लाइन जाएगी या जो भी आपका लॉस होगा ओमिक लॉस, यहाँ पर उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन है यूज एसी सर्किट ओमिक लॉस, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो आगे के ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे लेंथ ऑफ इन्वर्टर टू इंजेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पर आपको उसकी लेंथ फिलअप करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 मीटर सेलेक्ट कर देता हूँ। 10 मीटर सेलेक्ट करने के बाद जो मेरा लॉस फ्रैक्शन आ रहा है एट एसटीसी कंडीशन पर, तो मेरा आ रहा है 0.23%। देन वायर सेक्शन में यहाँ पर 95 स्क्वायर एम कर देता हूँ, तो यहाँ पर 0.12% आ रहा है मेरा। देन एसटीसी पे यहाँ पर पावर जो है 97 किलोवाट, देन वीएसी मेरा 400 वोल्ट जो थ्री फेज का है, देन यहाँ पर करंट शो कर रहा है और मेरा वोल्टेज रो रहा है 0.5 वोल्ट जो कि 0.1% है लगभग। तो यहाँ पर अगर आगे ऑप्शन को मैं ओपन करना चाहूँ, जैसे यहाँ पर यूज़ वन और सेवरल एमवी ट्रांसफार्मर, इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरी ट्रांसफार्मर की डिटेल यहाँ पर फिलअप करने को ये बोलेगा। तो मैं जैसे 100 किलोवाट अपना सोलर पावर प्लांट यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ। देन जैसे यहाँ पर मीडियम वोल्टेज एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर में जैसे यहाँ पर ऑप्शन है एमवी ट्रांसफार्मर फुल सिस्टम नंबर ऑफ एमवी ट्रांसफार्मर, तो आप जैसे 100 किलोवाट के लिए एक ही ट्रांसफार्मर यूज़ होगा तो वन पे आपने सेलेक्ट करना। अगर आपका मेगावाट लेवल पे प्लांट है तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर यहाँ से 2-3 जो भी आप जितने भी आप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे यहाँ पर उसका नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर फिलअप करने। देन नाइट डिस्कनेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, आपको इसको टिक कर देना है। नाइट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपका जो जेनरिक वैल्यू है ट्रांसफार्मर की, जैसे यहाँ पर आयरन लॉस कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड कॉपर लॉस रेजिस्टिव लॉस जो है हमारा, वो ओपन होकर आ जाएगा। क्योंकि नाइट डिस्कनेक्ट स्विच अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आयरन लॉस की वैल्यू और कॉपर लॉस की वैल्यू जो ट्रांसफार्मर के लॉसेज होते हैं वो आपको वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी पड़ेगी। तो जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0.1% आयरन लॉस के आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस यहाँ पर 1% हो रहा है एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही चूज करके आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं है, आपको अपनी ट्रांसफार्मर की डेटा शीट से लेकर या जो भी आपके साइट के अकॉर्डिंग आपको जो ग्रिड वोल्टेज लाइन है या वहाँ पर ग्रिड की क्या अवेलेबिलिटी है, कौन सी लाइन जा रही है वहाँ पर, 11 kV की जा रही है, 33 kV की जा रही है लाइन, जहाँ पर आपने अपने पावर प्लांट की पावर को इंजेक्ट करना है ट्रांसफार्मर के बाद, तो वो डिटेल यहाँ पर आपने सिंपली फिलअप करनी है। जो वायर लेंथ ले जा रहे हो इंजेक्शन पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो यहाँ से आपने उसका वायर सेक्शन जो भी है उसको सेलेक्ट करके रख देना। देन सिंपली आपने ओके बटन पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को सेव कर देना है। तो ये था ओमिक लॉसेस को कैसे हम डिफाइन करते हैं पीवीसी सॉफ्टवेयर में और इसकी वैल्यू को कैसे पुटअप करते हैं। तो आपको जो भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो ओमिक लॉसेस टैब से रिलेटेड, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पीवीसी सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट लॉसेस टैब के बारे में, जो है मॉड्यूल क्वालिटी और एलआईडी मिसमैच लॉस। तो तब तक के लिए थैंक यू।